अभी तक हमने दो मेथड देख लिया इवोपरेशन निकालने की, है ना। पहला था इवोपरीमीटर, सेकंड था कुछ इम्पेरिकल फॉर्मूलेज, थर्ड है एनालिटिकल मेथड ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, वाटर बजट क्या होता है? ये एकदम सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है इवोपरेशन निकालने के लिए। ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे, हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन बनाओगे, उससे इवोपरेशन निकालोगे, है ना। नाम सुनने में बड़ा लग रहा होगा हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन, लेकिन ये बहुत सिंपल है अगर हम देखें। मान लो, ठीक है, पहले यही मेथड समझ लेते हैं हम। मान लो ये कोई एक बहुत बड़ी लेक है, ठीक है, ये क्या है, लेक है, ठीक है, ये इसका इनिशियल लेवल है, बाकी ये क्या हो गई आपकी ग्राउंड सरफेस हो गई मान लो, ऐसा कुछ। ये कोई लेक है या इवापोरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कुछ रिजर्वायर है, कुछ भी है। ठीक है, लेक है, रिजर्वायर है, क्योंकि हमको सबका ही तो निकालना होता है क्या, इवॉपरेशन लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर ये लेक या रिजर्वायर है, इसमें पहले से पानी है, तो कहीं ना कहीं से और पानी भी तो आएगा ना इसमें, है ना। कहाँ कहाँ से आ सकता है? पहला रीजन है क्या हो रहा है, ये पहला रीजन है क्या, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के कारण आ रहा हो मान लो। किसके कारण आ रहा होगा, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। ठीक है, तो मैं इसको किससे डोनेट कर रहा हूँ, मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ पी से। ठीक है, जितने भी आने वाले हैं उनको हम ग्रीन से लिखेंगे। ठीक है, पी से एक जगह से पानी आ सकता है, वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और कहाँ से पानी आ सकता है इस लेक या रिजर्वायर में, कोई और रिवर से अगर हम ला रहे हैं पानी भरने के लिए, तो यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस इनफ्लो। ठीक है, या आप बोल सकते हो सरफेस इनफ्लो। ठीक है, मैं इसको VIS से डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है, या तो सरफेस से आ सकता है, या तो प्रेसिपिटेशन से आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है, या फिर ग्राउंड वाटर्स भी रिचार्ज कर सकता है इस लेक को। ठीक है, ग्राउंड वाटर बढ़ गया तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर सकता है इस लेक को, इनफ्लो ग्राउंड वाटर। ठीक है, और कहीं से आ सकता है क्या पानी, और कहीं से आ सकता है, बस यही तीन तरीके हैं जिससे ये लेक रिचार्ज हो सकती है। ठीक है, अब आप निकालते कहाँ कहाँ से वो पानी, है ना, इस लेक को पानी का यूज़ भी तो करोगे आप। तो मान लो सबसे पहले अगर आपने यूज़ के लिए निकाला, तो सरफेस आउटफ्लो, है ना, यूज़ के लिए या पावर जनरेशन के लिए, डैम है तो पावर जनरेशन के लिए, तो मैं इसको डोनेट करता हूँ VOS से। ठीक है, आउटफ्लो सरफेस। ठीक है, सरफेस आउटफ्लो, क्लियर है। नेक्स्ट, और कहाँ से जा सकता है पानी, अगर ग्राउंड में पानी नहीं है तो सीपेज से जा सकता है ना, या हम इसको बोल देते हैं ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, VOG। ठीक है, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो दो तरीके से जा सकता है। तीसरा एक और क्या तरीका है कि जा सकता है, ये जिसके लिए हम निकाल रहे हैं मेन, और कौन से लॉसेज होते हैं, इवॉपरेशन लॉस, है ना। अगर यहाँ पे सन है तो वो क्या बोलेगा कि भाई मुझे भी तो पानी दो, है ना, सन को भी तो पानी चाहिए, या सन क्या करेगा, इवॉपरेट कर देगा इसका पानी, यही तो निकालना है ना अपने को। ठीक है, और कहाँ से पानी जा सकता है, और होता है एकदम नेग्लिजिबल लॉस अगर इसके अंदर कोई प्लांट है मान लो। ठीक है, कोई प्लांट है तो इससे भी तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशनल लॉस, इससे क्या होगा, ट्रांसपीरेशनल लॉस। लेकिन ये जो ट्रांसपीरेशन लॉस है वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, है ना, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो अगर लॉसेस ज़्यादा हो गए, है ना, इनपुट से कम अगर आउटफ्लो चला गया, है ना, इनफ्लो से कम, अगर इनफ्लो कम रहा और आउटफ्लो ज़्यादा रहा, तो ये जो लेवल है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इस चेंज को क्या बोलेंगे हम, चेंज हो जाएगा ना लेवल, पहले ऊपर था अब नीचे है, तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, डेल एस,
चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। तो इसका मेन इक्वेशन क्या बनती है, हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसी बनेगी, वो बनेगी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। तो अब इनफ्लो क्या क्या है, इनफ्लो होगा मेरा P, है ना, इसको अपन ग्रीन से कर लेते हैं। इनफ्लो क्या होगा मेरा, इनफ्लो मेरा हो सकता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन प्लस और क्या इनफ्लो होगा, जो इस सरफेस से आ रहा है, ठीक है, VIG प्लस जो इस ग्राउंड वाटर से आ रहा है, उल्टा हो गया मैंने, है ना, ये हो गया सरफेस वाला, ये हो गया ग्राउंड वाटर वाला, ठीक है, माइनस इतना हो गया इनफ्लो माइनस आउटफ्लो क्या क्या है, आउटफ्लो है मेरा सरफेस वाटर जो जा रहा है ना, प्लस ग्राउंड वाटर जो जा रहा है, प्लस इवापोरेशन लॉस प्लस ट्रांसपिरेशनल लॉस, ठीक है, और कोई होगा इसके अलावा लॉस नहीं, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन स्टोरेज डेल एस। क्लियर है, तो अगर अब इसमें मेरे को इवापोरेशन में आराम से निकाल सकता हूं, अगर मुझे बाकी की वैल्यू पता है तो मैं ये इस इवापोरेशन को आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है, कैसे कर सकता हूं मैं, या तो मैं लिख दूं ई एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एस माइनस पी प्लस वी आई जी प्लस वी आई एस प्लस, ठीक है, ये चेंज इन स्टोरेज से माइनस हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा ऐड हो जाएगा, प्लस वी ओ जी प्लस टी एल। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आराम से इवापोरेशन लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ट्रांसपिरेशनल लॉस होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो या नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है, चलिए अब इसके आप वो भी लिख सकते हैं फुल फॉर्म, अगर लिखना चाहें तो पॉज करके, पी क्या है, डेली प्रेसिपिटेशन, वी आई एस है डेली सरफेस इनफ्लो इन टू द लेक, वी आई जी है डेली ग्राउंड वाटर इनफ्लो इन द लेक, ठीक है, वी आई जी मैंने कैपिटल में लिख दिया था क्या, तो हम इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, वी आई जी। वी ओ एस क्या हो जाएगा, डेली सरफेस आउटफ्लो फ्रॉम द लेक, ये हो जाएगा डेली सीपेज आउटफ्लो, और ई एल क्या था, डेली लेक इवापोरेशन, डेल एस था इंक्रीज इन लेक स्टोरेज, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसका साइन माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है, इंक्रीज है तो प्लस होगा, डिक्रीज है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, चलिए। और टी एल क्या है, डेली ट्रांसपिरेशनल लॉस। क्लियर है आपको वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है, अब इससे हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलिए प्रॉब्लम लिखते हैं। चलिए वाटर बजट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेक हैड अ वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ 103.2 मीटर अबव डाटम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टन मंथ, इन दैट मंथ द लेक रिसीव एन एवरेज इनफ्लो ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, तो इनफ्लो कितना है हमारे पास, इनफ्लो मतलब पानी कितना आ रहा है वो है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे डाटा लिखते जाएंगे आप, क्योंकि इसमें डाटा क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आप अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर डाटा अलग से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, इनफ्लो ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ सोर्स, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, सरफेस रन ऑफ से आ रहा है, इन द सेम पीरियड, कितना है पीरियड, देखो पहले ही लिखा है मंथ, है ना, एक मंथ का पीरियड है, ठीक है, आउटफ्लो फ्रॉम द लेक हैड एन एवरेज वैल्यू ऑफ 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है मेरा कितना है, आउटफ्लो 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
फर्दर इन दैट मंथ द लेक रिसीव अ रेनफॉल ऑफ 145 mm. तो रेनफॉल क्या है, इनफ्लो है ना, आ रहा है ना, तो पी लिख देता हूं मैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है 145 mm, ठीक है, 145 mm है ना, प्रेसिपिटेशन हो गया कितना 145 mm, एंड द, इसको भी नोट कर लेते हैं, एंड द इवोपरेशन फ्रॉम द लेक सरफेस वॉज एस्टिमेटेड एज 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इवोपरेशन क्या है, एक आउटफ्लो है, तो इवोपरेशन कितना आ रहा है 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.1 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, कैलकुलेट वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, तो शुरू में कितना था, 103.2 मीटर था, ठीक है, अब जब मंथ के आखिरी में कितना है पूछ रहा है आपको, ठीक है, क्या पूछ रहा है, मंथ के आखिरी में कितना है जबकि सरफेस एरिया कितना है, एरिया है मेरा 5000 हेक्टेयर, ठीक है, और क्या बोल रहा है, एज्यूम नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू और फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्टोरेज, क्लियर है इतना, क्योंकि क्या है, ग्राउंड वाटर का कोई डाटा दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, या कुछ हुआ ही नहीं है इस महीने, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डील करते हुए डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम सबसे पहले देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या है, ये तो सेकेंड सेकेंड में दिया है और हमारा टाइम पीरियड क्या है, पूरा मंथ का है, ठीक है, तो एक मंथ में कितने सेकेंड होते हैं, है ना, वन मंथ कन्वर्टेड इंटू सेकेंड, तो कैसे करोगे आप, 24 × 60 × 60 × 30, ठीक है, 60 × 60 क्या हो गया, आवर में काउंट हो गया × 24, डे में आ गया × 30, मंथ में हो गया, ठीक है, अभी ऐसा कोई स्पेसिफाइड मंथ नहीं बोला है तो हम 30 लेके चलेंगे, ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 24 × 60 × 60 × 30, ये आ जाएगा 2592, या मैं इसको लिख सकता हूँ 25.92 × 10⁶ seconds, ठीक है, क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनफ्लो निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो कितना हो जाएगा, क्या करूंगा मैं, 6 × 6 × 2.592 × 10⁶, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15.552 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है, मैंने क्या किया, 10⁶ को हटाने के लिए क्या कर दिया, इसको मिलियन बना दिया, ठीक है, क्या मतलब, जबरदस्ती आप डाटा को बढ़ाएं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो, अब आउटफ्लो की वॉल्यूम क्या होगी, 6.5 × क्या कर दूंगा, 2.592 × 10⁶, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 16.848 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है, अब मेरे पास इनफ्लो भी है आउटफ्लो भी है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, आउटफ्लो ज़्यादा दिख रहा है इनफ्लो से, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ इनफ्लो तो बचा है ना और कुछ आउटफ्लो तो बचा हुआ है ना, तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा, ये है 145 mm, है ना, 145 mm है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सब कुछ मीटर में है तो मीटर में ही रखूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 1000 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा,
मल्टीप्लाई करूंगा एरिया से, तो वॉल्यूम आ जाएगी, डेप्थ है, डेप्थ इंटू एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगी 5000 इंटू 10 to the power 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 145 इंटू 5 इंटू 10 to the power 4, ठीक है, ये आएगा आपका 7.25 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। इसको भी मैंने 10 to the power 6 को हटा दिया, इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू इवॉपरेशन, इवॉपरेशन के कारण भी तो लॉस होगा ना, कितना होगा, 6.1 / 1000 इंटू 5000 इंटू 10 to the power 4, सेम होगा, है ना। इवॉपरेशन किस में दिया हुआ है हमको, सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सिर्फ 1000 नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1111 कैंसर, ठीक है, ये आएगा 50 × 6.1 टू 10 to the power 4, तो ये आ जाएगा 3.05 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं टोटल चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, क्या फॉर्मूला था चेंज इन वॉल्यूम निकालने का, हमने देखा था ना, मैंने क्या किया था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। तो इनफ्लो कितना है, इनफ्लो है मेरा कितना है, 15 + 7, और आउटफ्लो कितना है, 16 + 3, ठीक है। करेंगे तो डेल एस कितना आ जाएगा, डेल एस आएगा 15.552 + 7.25, ये दोनों क्या है, ये इनफ्लो है और ये किसके कारण है, प्रेसिपिटेशन के कारण, ठीक है। माइनस आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो ये है, सॉरी आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो ये है और ये है, ठीक है, और इनफ्लो क्या है, इनफ्लो ये है और ये है, जो बारिश से आ रहा है और जो इनफ्लो रन ऑफ से आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, 16.648 + 3.05, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, चेक करेंगे तो ये आएगा आपका 16 - 15.552 - 7.25, ये आएगा 2.904, यूनिट क्या होगा, सबका यूनिट क्या था, ध्यान देंगे सबका यूनिट क्या था, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, इसका यूनिट भी होगा मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, वॉल्यूम, पूछा क्या था मेरे को, पूछा था बताओ भाई, क्या पूछा था, कैलकुलेट वाटर सरफेस एलिवेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो मैं एलिवेशन निकाल सकता हूँ, है ना, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, डेप्थ निकाल सकता हूँ, है ना, एरिया से डिवाइड करके, ठीक है। तो चेंज इन डेप्थ, अच्छा ये चेंज इन स्टोरेज कैसा है, ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं आ रहा है आंसर, क्योंकि पॉजिटिव टर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू आउटफ्लो, है ना, इनफ्लो बड़ा है एज कम्पेयर टू आउटफ्लो, तो ये जो एलिवेशन होगा वो क्या हुआ होगा, बढ़ा ही हुआ होगा हमेशा, है ना। तो पहले का एलिवेशन कितना था, है ना, प्रीवियस एलिवेशन लिख देता हूं मैं, प्रीवियस एलिवेशन कितना था, 103.2 meters, ठीक है। अभी कितना होगा डेप्थ, चेंज इन डेप्थ
चेंज इन डेप्थ कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 2.902 है ना, सॉरी 2.904 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 10^4। ठीक है, एरिया कितना है, 5000 हेक्टेयर है ना। चलो अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा अराउंड 0.058 मीटर। ठीक है, तो पहला हम पहले हमारे पास कितना था, 13.2 प्लस क्या कर देंगे 58 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, एलिवेशन एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ कितना होगा, 103.2 प्लस 0.058 मीटर, आंसर हो जाएगा 0.3258 मीटर। क्लियर है, ये एकदम बेसिक वाला था, अभी हम सिंपल प्रॉब्लम से डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं, हल्का सा, ये भी इजी लगेगा, बस समझने का है। ठीक है, समझेंगे, अ स्मॉल कैचमेंट, प्रीवियस प्रॉब्लम क्लियर है एकदम, है ना, अ स्मॉल कैचमेंट ऑफ एरिया 150 हेक्टेयर रिसीव अ रेनफॉल ऑफ 10.5 सेंटीमीटर इन 90 मिनट्स। ठीक है, एक कोई कैचमेंट एरिया है जो कितना का है, वो है 150 हेक्टेयर्स का। ठीक है, उसने कितना पानी रिसीव किया, 10.5 सेंटीमीटर इन 90 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 90 मिनट में कितनी बारिश हो गई, 10.5 सेंटीमीटर की, ड्यू टू स्ट्रॉम एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट द स्ट्रीम ड्रेनिंग द कैचमेंट वॉज ड्राई बिफोर द स्ट्रॉम। क्या बोल रहा है, जो स्ट्रीम कैचमेंट को पानी दे रही थी वो ड्राई थी किसके पहले, इस बारिश के पहले, एंड एक्सपीरियंस अ रन ऑफ, उसने रन ऑफ को एक्सपीरियंस कब किया, लास्टिंग फॉर 10 आवर्स। मतलब जब 10.5 सेंटीमीटर की बारिश हुई तो वो भले 1.5 घंटे के लिए हुई, लेकिन उसने कॉन्ट्रीब्यूट कब तक किया, 10 घंटे तक पानी क्या हुआ, बहता रहा। ठीक है, उस रन ऑफ पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत भारी बारिश हो जाती है ना, आपके घर के सामने पानी जम जाता है ना, फिर आप 1-2 घंटे बाद देखते हो क्या होता है, वो पानी चला जाता है, बह जाता है। तो ये पानी कितना टाइम लगा बहने में, 10 घंटा, विद एन एवरेज डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ 2 m³/s। ठीक है, इसके डिस्चार्ज वैल्यू कितनी थी, 2 m³/s। तो 10 घंटे में कितना बहा होगा, कर निकाल लेंगे हम, है ना, 2 × 60 × 60 × 10। ठीक है, क्लियर है, द स्ट्रीम वॉज अगेन ड्राई आफ्टर द रन ऑफ इवेंट। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है आपको क्वेश्चन में, कि जो भी पानी उस स्ट्रीम में आया था वो इस 10.5 सेंटीमीटर की बारिश के कारण ही आया था। ठीक है, और कोई अलग सोर्स नहीं था उसका। ठीक है, निकालना क्या है, वॉट इज द अमाउंट ऑफ वॉटर विच इज नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ। तो मैंने आपको शुरू में बताया था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, ठीक है, क्या पूछा है, पहले ये बता देता हूं मैं, पूछा है वो पानी बताओ जो रन ऑफ नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि क्या है, जितनी बारिश हुई पूरा का पूरा रन ऑफ हो जाता है क्या, आपको शुरू में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बताया था मैंने, ठीक है, कि जब बारिश होती है तो पहले कहाँ जाता है, इंटरसेप्शन लॉस, है ना, प्लांट्स में, ट्रीज में और घरों में, उसमें फंसता है पानी, वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्शन लॉस। तो इसमें इंटरसेप्शन लॉस तो हुआ नहीं होगा, कुछ पेड़ होंगे अगर तो नेग्लिजिबल हुआ होगा, इवॉपरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, तो ये सब में कितना पानी गया ये कैसे निकालेंगे हम, हमको प्रेसिपिटेशन पता है ना, और रन ऑफ पता है, तो अदर लॉसेस निकाल लेंगे हम, वही तो पूछा है आपको, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ, मतलब अदर लॉसेस। ठीक है, तो अदर लॉसेस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अदर लॉसेस जो कि इवॉपरेशन हो सकता है, ट्रांसपीरेशन हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अदर लॉसेस प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ। ठीक है, क्या करूंगा मैं, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ। तो अब टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, ये तो हुआ था 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया कितना था, 150 हेक्टेयर्स,
तो टोटल प्रेसिपिटेशन आ जाएगा मेरा, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा 100 से डिवाइड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और जो एरिया है उसको मैंने किसमें किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर क्या होता है कन्वर्जन, ये तो पता होगा आपको, हेक्टेयर टू मीटर स्क्वायर 10 to the power 4, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा अराउंड 10.5 × 150 × 100, ये आएगा 157,500, ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा 157,500 m³, ठीक है। अब आ गया आपका प्रेसिपिटेशन, है ना, अब हम निकालेंगे रन ऑफ, रन ऑफ, तो रन ऑफ क्या हो जाएगा, रन ऑफ कितना था, 10 घंटे तक चला था कितना, 2 m³ का पानी, तो 2 × 10 × 60 × 60, हाँ, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये क्या आएगा 60 × 60 3600 × 10 36000 × 2, ये हो जाएगा 72,000 m³, क्लियर है। चलिए अब आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन कितना हुआ था, 157,500, और रन ऑफ कितना हुआ है, सिर्फ 72,000, तो आप बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली, वो क्या होगा, वो होगा अदर लॉसेस, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 157,500 - 72,000, ओके, तो आंसर होगा -72,000, ये हो जाएगा 85,500 m³, इतना पानी क्या गया, इन्फिल्ट्रेशन में गया, इवापोरेशन में गया, ट्रांसपीरेशन में गया और अदर लॉसेस में गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन, सिंपल है, रन ऑफ कितना था, रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन का रेशियो पूछा है, तो रन ऑफ था मेरा 72,000 और प्रेसिपिटेशन था 157,500, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आएगा 72,000 / 157,500, ये आएगा 0.457, चलिए क्लियर है इतना, और भी प्रॉब्लम बनाएंगे अब हम वाटर बजट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वाटर बजट का, द प्लान एरिया ऑफ अ रिजर्वायर इज 1 km², ठीक है, प्लान एरिया कितना है रिजर्वायर का, 1 km², ठीक है, द वॉटर लेवल इन द रिजर्वायर इज ऑब्जर्व्ड टू डिक्लाइन बाय 20 cm, डिक्लाइन बाय 20 cm मतलब स्टोरेज क्या है, माइनस में है, ठीक है, पहले से पता चल रहा है आपको, मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो क्या है, कम है, ठीक है। चलिए गिवन डाटा लिखते जाएंगे साथ में, एरिया कितना है इसका 1 km², ठीक है, और डेल एस क्या है, डेल एस चेंज इन स्टोरेज कितना है, -20 cm, ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट, इन अ सर्टन पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिजर्वायर रिसीव्स अ सरफेस इनफ्लो ऑफ 10 hectare meter, इनफ्लो कितना आया है 10 hectare meter, है ना, लिख लेंगे इसको भी, इनफ्लो कितना है हमारे पास, इनफ्लो 10 hectare meter, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है, 20 hectare meter आर एब्स्ट्रैक्टेड, मतलब ये क्या है, आउटफ्लो है 20 hectare meter का, ठीक है, आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर फॉर इरिगेशन एंड पावर, इरिगेशन या पावर के लिए लिया गया ये, ठीक है। द पैन इवॉपरेशन एंड द रेनफॉल रिकॉर्डेड, याद रखना इसमें नॉर्मल इवॉपरेशन नहीं है, क्या है, पैन इवॉपरेशन है, ठीक है, एंड रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सेम पीरियड वो एट अ नियर बाय मेट्रोलॉजिकल स्टेशन आर 12 cm and 3 cm, मतलब 12 सेंटीमीटर क्या है इवॉपरेशन है और 3 cm क्या है रेनफॉल, ठीक है,
लेकिन ये 12 सेंटीमीटर क्या है, पैन इवॉपरेशन है, ठीक है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, पैन फैक्टर से, दिया हुआ है द कैलिब्रेटेड पैन फैक्टर इज 0.7, द सीपेज लॉस फ्रॉम द रिजर्वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड इन हेक्टेयर मीटर, ठीक है, निकालना क्या है, सीपेज लॉस और किस में निकालना है, हेक्टेयर मीटर में, क्लियर है यहां तक। चलिए और डाटा लिख लेते हैं, और डाटा क्या था, रेनफॉल कितनी थी, रेनफॉल 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इवॉपरेशन कितना हो जाएगा, इवॉपरेशन वो हो जाएगा कितना है, 0.7 × 12, 12 था पैन इवॉपरेशन, पैन फैक्टर था 7, तो ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हमको सब डाटा किस में चाहिए, हेक्टेयर मीटर में, है ना, क्योंकि सीपेज भी हेक्टेयर मीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे हम सब डाटा को कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेक्टेयर मीटर में, ठीक है। चलो तो पहले ये दो डाटा तो आपका ऑलरेडी कन्वर्टेड है हेक्टेयर मीटर में, है ना, मेरे को क्या करना है, पहले स्टोरेज को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, है ना, स्टोरेज कितना है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, हेक्टेयर मीटर मतलब वॉल्यूम, ठीक है, तो हेक्टेयर मीटर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो एरिया है 1 किलोमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 10^6, ठीक है, इंटू ये किस में है, 20 × 10^-2, क्योंकि ये किस में है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है ना, तो -2, तो कितना आ रहा है आपका, 20 × 10^4 मीटर क्यूब। तो अगर मैं ये 10^4 हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि हेक्टेयर मीटर लाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हेक्टेयर मीटर, क्लियर है, स्टोरेज कितना हो गया मेरा, -20 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। अब वैसे ही अगर देखो, मैं डायरेक्ट सेंटीमीटर को हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, अगर 1 किलोमीटर एरिया है तो, है ना, देखा हमने यहाँ पे, वैसे ही सेम इवॉपरेशन को कन्वर्ट करूँगा मैं, इवॉपरेशन कितना है, इवॉपरेशन 8.4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, × 10^-2 इंटू एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 10^6, तो कितना हो गया ये, 8.4 × 10^4 m³, ठीक है। और अगर इसी को हम हेक्टेयर मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.4 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। अब मेरा सारा डाटा आ गया हेक्टेयर मीटर में, ये भी हेक्टेयर मीटर में है, इनफ्लो भी हेक्टेयर मीटर में, आउटफ्लो भी हेक्टेयर मीटर में है, और यहाँ पे मेरा जो इवॉपरेशन है वो भी किस में है, हेक्टेयर मीटर में, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, क्लियर है। चलिए अब मैं ना इस हेक्टेयर मीटर लिखते जाऊंगा सीधा, इनफ्लो क्या क्या हुआ, 10 हेक्टेयर मीटर हुआ इनफ्लो, प्लस साथ में ये 3 सेंटीमीटर, ये भी इनफ्लो है, बारिश जो आई है, माइनस आउटफ्लो क्या क्या है, ये 20 है और ये कितना हुआ, 8.4, तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा, 20 + 8.4 + मेरा सीपेज लॉस, सीपेज लॉस भी तो निकालना है ना हमको, क्वेश्चन में दिया ना सीपेज लॉस, सो प्लस सीपेज लॉस माइनस स्टोरेज कितना है हमारा, -20 हेक्टेयर मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, सीपेज लॉस, ठीक है, कितना आ रहा है सीपेज लॉस देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाए, ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 − 28.4, कितना आ रहा है कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.6 हेक्टेयर मीटर, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, 4.6 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेट द कॉन्स्टेंट रेट विड्रॉल फ्रॉम अ 1375 हेक्टेयर, है 1375 हेक्टेयर रिजर्वायर इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है, हमको क्या निकालना है, आउटफ्लो, ठीक है,
ये क्या है, आउटफ्लो है, विड्रॉल लिखा है, कॉन्स्टेंट रेट ऑफ विड्रॉल, तो आपको वो विड्रॉल निकालना है जो महीने भर कॉन्स्टेंट रेट से इस एरिया से निकलता रहे, ठीक है। यहाँ महीने के दिन भी दिए हैं कितने, 30, ठीक है। ये दिया हुआ हेक्टेयर में, ये दिया है 30 डेज, ड्यूरिंग विच रिजर्वायर लेवल ड्रॉप्स बाय 0.75 मीटर, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एन एवरेज इनफ्लो इन टू द रिजर्वायर ऑफ 0.5 मिलियन मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करना चाहो गिवन डाटा को, है ना, बार बार, तो ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ते हुए, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ द एवरेज सीपेज लॉस फ्रॉम द रिजर्वायर वॉज 2.5 सेंटीमीटर, टोटल प्रेसिपिटेशन वॉज 8.5 सेंटीमीटर एंड इवोपरेशन वॉज 9.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लिख लेते हैं पहले इनफ्लो का डेटा, है ना, क्या लिख लेते हैं हम पहले, इनफ्लो का डेटा, इनफ्लो कितना हुआ है, इनफ्लो पहला क्या है, 0.5 मिलियन मीटर क्यूब पर डे। तो अगर मैं पूरे महीने के लिए निकालने जाऊंगा, है ना, ये डे का है, पूछा कितने दिन का, 30 दिन का, तो 30 दिन में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो इसको क्या कर दूंगा, इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 30, 15 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब पर मंथ, ठीक है, ये आ गया एक इनफ्लो, है ना। अब हम देख लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, है ना, अगर मैं प्रेसिपिटेशन में से सीपेज और इवोपरेशन माइनस कर देता हूँ तो डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा कितना है इनफ्लो भी, है ना। तो हम देख लेते हैं, ये आएगा कितना, 18.5 क्या था, प्रेसिपिटेशन का रेनफॉल माइनस मैंने कर दिया सीपेज लॉस माइनस इवोपरेशन 9.5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से गया 18.5, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, है ना, तो क्या करेंगे, इनटू एरिया, ठीक है, तो 6.5 क्योंकि मीटर में नहीं है ये, तो डिवाइड बाय 100 इनटू 1375 इनटू 10 टू द पावर 4, क्लियर है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको कैलकुलेटर से, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 175 इंटू 6.5, ये आएगा 893750, कितना आएगा ये, 893750 मीटर क्यूब पर मंथ, ठीक है। तो अगर हम सीपेज और इवोपरेशन भी हटा दें तो इतनी बारिश भी हो रही है, तो ये दोनों क्या है आपका, इनफ्लो है, ठीक है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे दोनों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आइए, नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एक कांस्टेंट रेट से आउटफ्लो कितना होना चाहिए, ठीक है, और इतना आउटफ्लो हो कि चेंज इन स्टोरेज भी कितना घट जाए, 75 मीटर, या 0.75 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो 75 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि चेंज इन स्टोरेज क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टोरेज क्या हो जाएगा, माइनस 0.75 मीटर में दिया हुआ है, इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, तो इनटू 1375 इंटू 10 टू द पावर 4, ये कितना आएगा देखते हैं, ये आएगा अराउंड 10 लाख, लिख लेते हैं 10,3021, ठीक है, ये आ जाएगा अपना मीटर क्यूब पर मंथ। अब हम इसको इक्वेशन में डाल के आउटफ्लो निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन में रखते हैं इसको, इक्वेशन क्या है हमारी, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन
स्टोरेज, ठीक है। तो इनफ्लो कितना हो गया, इनफ्लो है मेरा 15 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 89 3750 माइनस आउटफ्लो जो भी आया होगा इज इक्वल्स टू माइनस, ये भी माइनस है, माइनस 103 1250, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आउटफ्लो को यहां रख देंगे, है ना, आउटफ्लो ही तो निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे ऐड हो जाएगा, वो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा प्लस 93750, ये हो जाएगा आपका 2602 6250 मीटर क्यूब। इतना आउटफ्लो है मीटर क्यूब पर मंथ में, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक कांस्टेंट रेट निकालना है, क्या दिया, कांस्टेंट रेट डिस्चार्ज ऑफ 30 डेज। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। अब हमको सेकंड में लाना है ना मीटर क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, सिंपल आ गया। कितना आएगा आंसर देखेंगे, डिवाइडेड बाय 30 into 24 into 60 into 60, ये आएगा आपका 10.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस कांस्टेंट रेट से जब आप डिस्चार्ज करोगे तो आपका ये आ गया आउटफ्लो, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक और, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कैचमेंट एरिया ऑफ 140 किलोमीटर स्क्वायर रिसीव्स 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया है 140 किलोमीटर स्क्वायर और कितना सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, ठीक है, इन अ ईयर एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट। द फ्लो इन अ स्ट्रीम ड्रेनिंग द कैचमेंट, मतलब वो स्ट्रीम जो खाली कर रही है कैचमेंट को, ड्रेनिंग द कैचमेंट मतलब ये क्या है, आउटफ्लो है, जा रहा है, रन ऑफ है ना, वॉज फाउंड टू हैव एवरेज रेट ऑफ 2 m³/s फॉर 3 months, 3 m³/s फॉर 6 months एंड 5 m³/s फॉर 3 months। फाइंड द रन ऑफ रेनफॉल रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेनफॉल निकाल लेते हैं या रन ऑफ निकाल लेते हैं, जो बोलो, ठीक है, रन ऑफ निकाल लेते हैं चलो पहले, ठीक है। रन ऑफ मतलब कितना पानी बहा है, ठीक है, तो कितना पानी बहा है देखेंगे, कितना पानी बहा है, पहले 3 महीने 2 m³/s से पानी बहा है, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में क्या हुआ है, 2 m³/s से पानी बहा है, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल ईयर ईयर लेके चल रहे हैं, लीप ईयर नहीं है वो, ठीक है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फर्स्ट 3 मंथ में कितने डेज होते हैं, देखो जनवरी में 31 और मार्च में 31 और फरवरी में 28, है ना, तो 1 1 यहाँ से बराबर हो गया, तो क्या 90 डेज होगा ना टोटल, तो फर्स्ट 3 मंथ में 90 डेज होते हैं, है ना, तो कितना होगा, रन ऑफ 2 into 60 into 60 आवर्स में हो गया, डेज में हो गया, और कितने डेज होते हैं, 90 डेज, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फॉर 3 मंथ क्या है, नेक्स्ट फॉर 6 मंथ 3 m³/s है, तो 3 into 60 into 60 into 24 into, नेक्स्ट जो 6 मंथ है वो कौन कौन से है, अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं 30 डेज, ठीक है, मई में कितने होते हैं 31 डेज, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, 61 हो गए। नेक्स्ट क्या आता है, मई के बाद जून, जून में कितने होंगे 30 डेज, फिर नॉर्मल हो गया, है ना, 91। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, जुलाई, जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31, तो टोटल कितने डेज हो गए आपके, 184 डेज हो गए, क्लियर है, मई का 183 डेज हो गए, सॉरी, है ना, 183 डेज हो गए, ठीक है,
एक मई का 31st, एक जुलाई का और एक अगस्त का, ठीक है, सितंबर और अप्रैल और जून में क्या होगा 30 डेज, ठीक है, तो 183 डेज हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटू 65 है कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, है ना, तो अब कौन कौन से 3 मंथ बचे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर होता है 31 का, दिसंबर भी होता है 31 का, तो ये कितने हो जाएंगे 92 डेज, है ना, अगर आपको देखना है तो कैलकुलेट भी कर लो, टोटल कर लो, 365 हो रहा है टोटल, तो सही है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा पहले वाले का आंसर आएगा, निकाल लेते हैं अपन 2 into 60 into 60 into 24 into 90, ये आएगा आपका अराउंड 155200, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या किया हमने, 3 into 183, ओके, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट सॉरी, 2 into 90, इसमें एक और जीरो आएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 into 183, है ना, ये आएगा 4 7 4 3 3 6 00, ठीक है, ये सब किस में होगा, मीटर क्यूब में, ये भी किस में होगा, मीटर क्यूब में। लेक्स देखेंगे, लास्ट हो जाएगा आपका 5 into 92, ये हो जाएगा 3 9 7 4 4 0 0 0 meter cube, तो टोटल क्या हो गया, आप टोटल कर लेंगे, हम ऐड कर देंगे इसको, तो टोटल आएगा आपका, चलिए अब हम इसको ऐड कर देते हैं ना, ये होगा 155200, ठीक है, चेक कर लेंगे इसको एक बार, तो आएगा आपका 102 729 600, ठीक है, ये क्या आ गया मेरा रन ऑफ, है ना। अब मैं क्या निकालूंगा, रेनफॉल, अब हम निकालेंगे रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल कितना आ रहा है देखेंगे, रेनफॉल कितनी हुई है, 120 सेंटीमीटर हुई है, कितने किलोमीटर पे, 140 किलोमीटर स्क्वायर पे, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 1.2 मीटर ले लेता हूं 120 सेंटीमीटर को, इंटू 140 इंटू 10 to the power 6, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में था, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आंसर, आएगा कुछ आपका 1.2 into 140 into 10 to the power 6, ये आएगा आपका 168 123 123 meter cube। अब दोनों आ चुके, अब आप आराम से रेनफॉल और रन ऑफ का रेशियो निकाल सकते हैं, पूछा क्या था पहले, रेनफॉल रन ऑफ रेशियो, है ना, सॉरी रन ऑफ रेनफॉल रेशियो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, रन ऑफ रेनफॉल का रेशियो जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 102 729 600 को डिवाइड किससे करेंगे हम, 168 000 000, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.61148, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इफ द रन ऑफ टू रेनफॉल रेशियो रिड्यूस टू 0.5, व्हाट इज द इंक्रीज इन अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब क्या बोल रहा है, जैसे हमारा रन ऑफ टू रेनफॉल सॉरी रन ऑफ टू रेनफॉल रेशियो 0.61148 आ रहा है, इसकी जगह अगर 0.5 आ रहा होता, है ना, तो कितना इंक्रीज हो जाता बाकी सब में, है ना, जितना डिक्रीज होता रन ऑफ में उतना इंक्रीज हो जाता बाकी सब में, है ना, तो देख लेते हैं हम, तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप डायरेक्ट
168000 का इनटू 0.5 कर दो तो ये नया रन ऑफ हो जाएगा। कितना आएगा ये देखेंगे हम, तो ये आएगा 168000 इनटू 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 8400000 मीटर क्यूब। इतना रन ऑफ होता अगर मेरा 0.5 होता, ठीक है, इतना रन ऑफ होता, जो बाकी का बचा हुआ है वो भी किस में जाता, वो भी चला जाता मेरा बाकी इन्फिल्ट्रेशन इवापोरेशन में, है ना। तो कितना जाता देखेंगे आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 10272960 माइनस 8400000, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस, माइनस कर देंगे हम 10272860, ये आ जाएगा आपका 18.7296 मिलियन मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, मिलियन मीटर क्यूब। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है बहुत। अ वाटर रीच, रीच क्या होता है समझा देता हूं मैं पहले आपको, ठीक है। जैसे अगर कोई पानी बह रहा है ये, ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई भी दो सेक्शन ले लेता हूं तो इसके बीच के को क्या बोलूंगा मैं, बीच के एरिया को, या बीच के सेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, रीच, ठीक है। रीच मतलब कुछ नहीं है, रिवर का एक कोई पार्ट, ठीक है, या वाटर बॉडी का कोई एक पार्ट। क्लियर है रीच। अ रीच हैड अ फ्लड वेव पासिंग थ्रू इट एट अ गिवन इंस्टेंट, द स्टोरेज ऑफ द वाटर इन द रीच वॉज एस्टिमेटेड एज 15.5 हेक्टेयर मीटर। वॉट वुड बी द स्टोरेज इन द रीच आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 3 आवर्स इफ द एवरेज इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आर 14.2 एंड 10.6 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको बताना है कि अब रीच में क्या लेवल है आफ्टर 3 आवर्स। तो पहले हम देख लेते हैं टोटल इनफ्लो या नेट इनफ्लो देख लेता हूं मैं, डायरेक्ट क्या कर दूंगा, मेरे को यहां दिख रहा है कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो मुझे टोटल इनफ्लो मिल जाएगा, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको नेट इनफ्लो भी बोल सकता हूं, ठीक है। नेट इनफ्लो क्या होगा, नेट इनफ्लो होगा 14.2 माइनस 10.6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड 4, ये हो जाएगा अराउंड 4 और 2, 6, ठीक, 3.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो या तो मैं अलग अलग करूं या फिर ऐसे भी कर सकता हूं, डायरेक्ट तो मुझे क्या पता चल गया कि 3.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड का इनफ्लो आ रहा है उस पर, ठीक है। कितने आवर्स में आ रहा है, 3 आवर्स में कितना आएगा फिर, जब एक सेकेंड में इतना आ रहा है तो, सो फॉर थ्री आवर्स क्या हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, कितना हो जाएगा ये देखेंगे, 13.2 माइनस 10, 6 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3, ये हो जाएगा 38880 मीटर क्यूब, इतना आएगा इनफ्लो। लेकिन पहले हमारा इनफ्लो किस में दिया था, 15.5 हेक्टेयर मीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्टेयर मीटर में, तो कितना हो जाएगा ये 3.888 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। अब अभी क्या है, स्टोरेज क्या होगा देखेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो 15.5 प्लस 3.888, ये हो जाएगा अराउंड 15.5 प्लस 3.888, ये हो जाएगा 19.388 हेक्टेयर मीटर। यही था आपका क्वेश्चन, क्या पूछा था, क्या बताना था, व्हाट वुड बी द स्टोरेज इन द रीच आफ्टर 3 आवर्स, तो कितना होगा आफ्टर 3 आवर्स, 19.388 हेक्टेयर मीटर। क्लियर है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम वाटर बजट का, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ट्राई करेंगे एक बार आप अपने से भी पॉज करके, या फिर जिनको नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। द एवरेज सरफेस फ्लो ऑफ अ रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून, जून स्पेसिफाइड किया है इसमें, तो डेज क्या लेंगे हम 30, जून में कितने दिन होते हैं 30, इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 20 किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं इसमें डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। इन द सेम मंथ द एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो इज 10 m³/s, आउटफ्लो इज 15 m³/s, ठीक है। मंथली रेनफॉल इज 10 cm, मंथली सीपेज लॉस इज 1.8 cm, स्टोरेज चेंज इज 16 million m³, ठीक है। लेकिन आपको बताया नहीं है कि ये 16 million m³ माइनस में है या प्लस में है, मतलब बढ़ा है या कम हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है, द इवोपरेशन लॉस इन दैट मंथ इज, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं या फिर देखेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है, चेंज इन स्टोरेज, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, इज इक्वल्स टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो अगर मेरा इनफ्लो पहले आउटफ्लो से ज़्यादा हो गया या आउटफ्लो ज़्यादा हो गया इनफ्लो से, तो ऑटोमेटिक मैं चेंज इन स्टोरेज का साइन जान जाऊँगा। अगर मेरा आउटफ्लो बढ़ गया इनफ्लो से तो चेंज इन स्टोरेज कैसा होगा, माइनस में, और अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से तो चेंज इन स्टोरेज कैसा होगा, प्लस में। क्लियर है ना। चलिए पहले अब इनफ्लो देखते हैं, इनफ्लो कितना होगा, इनफ्लो होगा 10 m³/s, है ना। तो 10 m³ इंटू 30 डेज, 24 आवर्स, 60 min 60 seconds आ जाएगा। और हम और इनफ्लो क्या हो रहा है, मंथली रेनफॉल कितनी है 10 cm, तो अब हम रेनफॉल भी देख लेते हैं। रेनफॉल, रेनफॉल का क्या आ जाएगा, 0.1, 10 cm को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा, इंटू 20 इंटू 10^6, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल इनफ्लो हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, लेकिन कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। 10 × 30 × 24 × 60 × 60, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25.92 million m³, ठीक है। मैं मिलियन मीटर क्यूब में लेके चल रहा हूँ। ये देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.1 × 20 × 10^6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 million m³। क्लियर है, सिंपल। अब हम देखते हैं आउटफ्लो क्या आ रहा है, ठीक है। आउटफ्लो देख लेते हैं, आउटफ्लो, क्योंकि और कुछ इनफ्लो तो हो नहीं रहा है, है ना। आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है मेरा 15 m³ × 30 × 24 × 60 × 60 = अगर यहाँ पे मेरा आउटफ्लो इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा आ जाता है तो मैं समझ जाऊँगा मेरा चेंज इन स्टोरेज प्लस में है या माइनस में, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे चांस है कि आ जाएगा ज़्यादा, है ना, आ गया ज़्यादा। ये कितना आ गया, 38.88 million m³। ये दोनों का ऐड करोगे तो 27 ही आएगा, ये अकेला 38 आ गया। अभी सीपेज भी ऐड होना है और इवोपरेशन भी निकालना है, तो मेरा चेंज इन स्टोरेज का साइन माइनस हो जाएगा, पता चल गया है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीपेज लॉस, सीपेज लॉस कितना है, सीपेज लॉस है 1.8 cm, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू 20 × 10^6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.36 million m³, ठीक है। कैसे आराम से हो जाएगा ना, ये 3 इधर गया, 18 आ गया, इंटू 2 36, हाँ हो जाएगा आराम से, कर भी लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, है ना। 0.18 × 20 × 10^6, ठीक है, आ गया इतना ही। चलिए अब मेरा सब कुछ आ चुका है, मैं आराम से इवोपरेशन निकाल सकता हूँ।
इक्वेशन में रख के, है ना, तो इनफ्लो क्या हो गया हमारा, इनफ्लो हो गया 25.92 प्लस 2, ठीक है, सबको मिलियन मीटर क्यूब में लेके चल रहा हूं अभी, फिर हम करते हैं इसको माइनस भी, ठीक है, माइनस 38.88 प्लस 0.36 प्लस इवोपरेशन लॉस इज इक्वल्स टू माइनस 16 मिलियन मीटर क्यूब है चेंज इन स्टोरेज। अब यहां से EL निकाल लेंगे, EL आ जाएगा, EL कितना आएगा, EL जब हम उधर लेके जाएंगे सब कुछ, या इधर लेके आ जाते हैं सब कुछ, बात एक ही क्योंकि माइनस में है EL, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25.92 प्लस 2 माइनस 38.88 माइनस 0.36, तो टोटल इवोपरेशन लॉसेस कितने आ रहे हैं कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा अराउंड 16 प्लस 25.92 प्लस 2 माइनस 38.88 माइनस 0.36, ये आ जाएगा आपका 4.68 मिलियन मीटर क्यूब। तो आंसर तो नहीं आया लेकिन अभी भी, क्योंकि क्योंकि इवोपरेशन किस में पूछा था, सेंटीमीटर में, आपका यूनिट किस में है, मिलियन मीटर क्यूब में, तो कन्वर्ट करोगे, है ना, इसको डेप्थ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई, है ना, सॉरी डिवाइड, 68 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 कैंसिल, क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास, अरे यार 4.68 डिवाइडेड बाय 20 बचेगा हमारे पास 0.234, अभी भी किसमें, मीटर में, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 23.4 सेंटीमीटर, क्लियर है।